हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। वेलकम है आपका इंडियन पीसी वॉर के एपिसोड नंबर 90 में। इंडियन पीसी वॉर एक ऐसी सीरीज है जहां पर आप लोग अपना सेटअप सबमिट करते हैं और हम उसे अपने चैनल पर फीचर करते हैं। अगर आप भी पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है तो यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट द इंडियन पीसी वॉर्स बिगिन। बट बिफोर दैट, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बोल्ट ऑडियो। अगर आप यहाँ पर अपने लिए एक ट्रू वायरलेस ईयरबड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बोल्ट ऑडियो का एयरबेस ट्रू 5 प्रो को जरूर चेक करना चाहिए। ये वायरलेस ईयरबड आपको 2000 रुपए के आसपास ऑनलाइन मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर आपको बॉक्स में चार्जिंग केस, बहुत सारे ईयरबड और कलरफुल ईयरविंग्स भी देखने को मिल जाता है। साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको जो इस ईयरबड में देखने को मिलती है वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। साथ ही में यहाँ पर जो आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलती है वो भी काफी अच्छी है। तो यार, आप में से जो लोग इस ईयरबड को खरीदना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप लोग जाकर उसे चेक कर सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है राहुल देवगन, जो कि 17 साल के एक स्टूडेंट और एक यूट्यूबर है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई ने यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप बिल्ड कर रखा है। पहली चीज जो यहाँ पर आप इनके सेटअप में नोटिस करते हो ना, वो है इनकी टेबल। मतलब बंदा यहाँ पर जो अपने सेटअप में टेबल यूज कर रहा है वो एक कस्टम मेड टेबल है, जिसको कि मैं मानता हूँ इन्होंने शायद खुद ही बनवाई भी हुई है। टेबल का यहाँ पर जो आपको कलर देखने को मिलता है वो काफी अलग है। मतलब कि आपको व्हाइट, रेड और ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अनइवन तरीके से किया गया है। बात करें वही अगर इनके सेटअप के बारे में तो बंदे ने यहाँ पर जो सेटअप बिल्ड किया है वो टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छा लग रहा है। टेबल टॉप पर यहाँ पर जिनको स्पेस मिलता है ना वो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छे से उसे मैनेज किया है और यहाँ पर जो फाइनल स्पेस इनको देखने को मिलता है वो भी काफी अच्छा लग रहा है। टेबल टॉप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बंदे ने इतनी सारी चीजें रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर इनको लुक्स और क्लीननेस जो है वो काफी अच्छी और काफी क्लीन मिल जाता है। वही बात करें अगर डेकोरेशन की तो बंदे ने यहाँ पर डेकोरेशन के लिए भी काफी ज्यादा काम किया है। आप देख सकते हो फेक प्लांट और बैकग्राउंड में पोर्ट्रेट भी लगा रखी है इन्होंने। और अगर वही बात आती है हालत इनके कैबिनेट के अंदर की तो बंदे ने कैबिनेट के अंदर भी काफी अच्छा काम किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर वायर्स को इन्होंने राउट किया है, हालांकि क्लीननेस जो है वो उतनी अच्छी मेंटेन नहीं है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहे हैं HP का 22 इंच का मॉनिटर, माउस यहाँ पर डेल का है, कीबोर्ड यहाँ पर रेडगियर का है, स्पीकर यहाँ पर ये यूज नहीं कर रहे हैं। वही बात करें अगर इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं कोर i5 4th जनरेशन, 8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RX 470 यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर इनको सीपीयू परफॉर्मेंस मिलता है वो काफी बेसिक है। और वही बात आती है गेमिंग परफॉर्मेंस की तो RX 470 इनको आजकल के गेम्स जो है ना वो 60+ FPS पे खिलवा देता है। एट दिन अगर बात करें मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं इनको कोई खास सजेशन देना नहीं चाहता। अगर आप एक माउस पैड ले सकते हो अपने सेटअप के लिए तो मैं मानता हूँ आपको जरूर लेना चाहिए, बाकी आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू राहुल पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकंड कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम अब्दुल्ला हसन, जो कि 16 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई ने यहाँ पर बहुत ही नीट और क्लीन सेटअप बिल्ड किया है। पहली चीज जो यहाँ पर आप इनके सेटअप में नोटिस करते हो ना, वो है इनकी टेबल। बंदा ने यहाँ पर जो टेबल यूज कर रहा है ना वो काफी ज्यादा यूनिक है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल्स के कोई लेग नहीं है, ये टेबल जो है वॉल माउंट है, तो यहाँ पर जो इनको नीचे लुक मिलता है ना वो बहुत ही ज्यादा क्लीन है। और बंदे ने यहाँ पर जो काम किया है ना वो भी काफी अच्छा लग रहा है। सेटअप के अक्रॉस यहाँ पर जो बंदे ने कलर थीम क्रिएट करने की कोशिश करी है वो काफी अच्छी है। आपको यहाँ पर व्हाइट, ब्लैक और रेड कलर की थीम देखने को मिल जाती है। हालांकि कीबोर्ड का ये कलर चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा रेमो वाला कलर देखने को मिलता है। बात करें वही अगर टेबल टॉप की तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा सेटअप जो है वो टेबल टॉप पर इन्होंने रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बंदे ने क्लीननेस और केबल मैनेजमेंट पर भी काफी फोकस किया हुआ है। और वही अगर बात आती है हालत इनके कैबिनेट के अंदर की तो बंदे ने कैबिनेट के अंदर भी काफी अच्छा काम किया है। केबल मैनेजमेंट और क्लीननेस जो है वो काफी अच्छे से मेंटेन कर रखी है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर मॉनिटर यूज कर रहे हैं बैंक का 24 इंच का मॉनिटर, माउस यहाँ पर मांटा का है, कीबोर्ड यहाँ पर ब्लडी का है, हेडसेट यहाँ पर हैकर का ये यूज कर रहे हैं। वही बात करें अगर इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 5 2600X, 8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RX 570 यूज कर रहे हैं। बात आती है वही अगर सीपीयू परफॉर्मेंस की तो यार Ryzen 5 2600 काफी अच्छा इनको सीपीयू परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। और वही बात आती है अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की तो RX 570 इनको मॉडर्न गेम 60+ FPS पे आराम से खिलवा देता है। तो यार एट दी एंड अगर बात आती है मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं इनको कोई खास सजेशन देना नहीं चाहता। स्पेक्स वाइज और लुक वाइज इनका पीसी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। थैंक यू अब्दुल्ला पार्टिसिपेट करने के लिए। थर्ड कंटेस्टेंट के बारे में बात करें, इनका नाम अरुणाभो सिन्हा, जो कि 17 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई ने काफी ज्यादा टिपिकल इंडियन वाला सेटअप बिल्ड कर रखा है। मतलब कि यहाँ पर जो अपने सेटअप में ये टेबल यूज कर रहे हैं वो किसी भी लिहाज से पीसी वाली टेबल तो नहीं है। आप देख सकते हो ये शायद किसी टीचर वाली या ऑफिस वाली टेबल है, जिसको कि ये एज अ गेमिंग पीसी वाली टेबल ये यूज कर रहे हैं। बात करें ओवरऑल लुक की तो बंदे ने यहाँ पर काफी नीट और क्लीन सेटअप बिल्ड कर रखा है। आप देख सकते हो सेटअप के अक्रॉस यहाँ पर बंदे ने सिमेट्री भी मेंटेन करने की कोशिश करी
भरी हुई है। साथ ही में आप देख सकते हो बहुत बड़ा सा टेबल क्लॉथ बिछा रखा है जो कि आपको टिपिकल इंडियन गेमिंग सेटअप में आपको देखने को मिलता है। हालांकि गेमनेट के अंदर आप देख सकते हो थोड़े बहुत वायर्स देखने को मिल जाते हैं, क्लीननेस भी इन्होंने काफी एवरेज इन्होंने मेंटेन कर रखी है। नाउ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहे डेल का 19 इंच का मॉनिटर, माउस भी यहाँ पर डेल का है, कीबोर्ड यहाँ पर क्लेरियन का है, हेडसेट यहाँ पर फ्रंट के ये यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं कोर i3 7100, 8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RX 580 ये यूज कर रहे हैं। तो एट दिन अगर बात करें इनके सीपीयू परफॉर्मेंस की तो वो बिल्कुल बेसिक वाला मिल जाता है, और अगर वही बात करें गेमिंग की तो RX 580 इनको अच्छे लेवल की गेमिंग करवा देता है। एडियन अगर बात करें मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं इनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अपने i3 को थोड़ा सा अपग्रेड करके i5 तक जा सकते हो तो मैं मानता हूँ आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपका i3 जो है वो RX 580 को थोड़ा सा बॉटलनेक भी करता है। बाकी यहाँ पर आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू अरुण आभो पार्टिसिपेट करने के लिए। फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करेंगे ना मैं पृथ्वीराज पाटिल जो कि 22 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो बंदे ने यहाँ पर काफी नीट और क्लीन और कॉम्पैक्ट सेटअप बिल्ड कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेटअप में ये टेबल यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन वही इनके सेटअप के लिहाज से ना बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर इन्होंने अपने कैबिनेट को ज्यादा शो ऑफ ना करने के बजाय इन्होंने नीचे रखा है, दैट इज वाई यहाँ पर इनको काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हो साथ ही में बंदा बगल में कार 98 भी रखे हुए है। बात करें इनके सेटअप के बारे में तो आप देख सकते हो सेटअप यहाँ पर इन्होंने काफी नीट और क्लीन बिल्ड कर रखा है। साथ ही में टेबल टॉप को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने टिवाइस का भी यूज किया है जो कि आप देख सकते हो आर्मी वाली 2 जीप यहाँ पर ये रखे हुए हैं। और अगर वही बात आती है हाले दिन के कैबिनेट के अंदर की तो बंदे ने कैबिनेट के अंदर भी काफी अच्छा काम किया है, आपको केबल मैनेजमेंट और क्लीनेस जो है ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। नाउ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहे हैं LG का 22 इंच का गेमिंग मॉनिटर, माउस यहाँ पर रेड गियर का है, कीबोर्ड भी यहाँ पर रेड गियर का ही यूज कर रहे हैं, स्पीकर यहाँ पर ये आईबॉल का ये यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे कोर i5 9400F, 8GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे GTX 1660 यूज कर रहे हैं। तो यार एडियन अगर बात करें सीपीयू परफॉर्मेंस की तो सीपीयू परफॉर्मेंस इनको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और वही बात आती है गेमिंग परफॉर्मेंस की तो यार GTX 1660 इनको काफी अच्छे लेवल की गेमिंग भी प्रोवाइड करवा देता है। एडियन अगर बात करें मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं इनको कोई खास सजेशन देना नहीं चाहता, जैसा भी आप यहाँ पर अपना सेटअप यूज कर रहे हैं यूज करें, मैं मानता हूँ आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू पृथ्वीराज पार्टिसिपेट करने के लिए। फिफ्थ और लास्ट कंडीशन के बारे में बात करेंगे ना मैं रवि किशोर जो कि 20 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई ने यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप बिल्ड कर रखा है। पहली चीज जो यहाँ पर आप इनके सेटअप में नोटिस करते हो वो है इनकी लोकेशन, मतलब कि बंदे ने रूम के कॉर्नर पर यहाँ पर अपना सेटअप बिल्ड कर रखा है। एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि बंदे ने अपने सेटअप को डेकोरेट करने की भी काफी कोशिश करी है। आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने फेक रोज का प्लांट भी लगा रखा है जो कि इनको थोड़े से एक्स्ट्रा कलर भी प्रोवाइड कर देता है। हालांकि आप देख सकते हो सेंटर पर इन्होंने मॉनिटर नहीं रखा जो कि थोड़ा सा ऑड लगता है, मैं मानता हूँ इनको सेंटर पर ही मॉनिटर रखना चाहिए था तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लुक उनको और भी मिल जाता। एक चीज मुझे यहाँ पर ये अच्छी लगी कि जो है वायर को कम करने के लिए यहाँ पर ये वायरलेस पेरिफेरल्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप इनका हेडफोन देखते हो बोट वाला और माउस देखते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी वायर्स देखने को नहीं मिलते, तो टेबल टॉप पर जो यहाँ पर इनको लुक है ना फाइनल वो बहुत ही ज्यादा क्लीन मिल जाता है। और वहीं यहाँ पर जो कैबिनेट और यूपीएस है ना वो टेबल के नीचे साइड पर रखे हुए हैं, तो आप देख सकते हो टेबल का यहाँ पर जो स्पेस है ना वो इन्होंने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। और अगर वही बात आती है हाल दिन के कैबिनेट के अंदर की तो आप देख सकते हो कैबिनेट के अंदर जो इन्होंने काम किया ना वो बस एवरेज किया है, मैं कहता हूँ बिल्कुल इन्होंने ना के बराबर ही काम किया है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहे हैं LG का 18.5 इंच का HD रेडी मॉनिटर, माउस यहाँ पर लॉजिटेक का है, कीबोर्ड यहाँ पर BBC का है, स्पीकर यहाँ पर ये टेरावाइट का ये यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं कोर i3 7100, 16GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो यार एडजी ने अगर बात करें सीपीयू परफॉर्मेंस की तो वो यहाँ पर इनको बिल्कुल बेसिक वाला मिल जाता है, और वही बात आती है गेमिंग की तो यहाँ पर ये इनको जितनी भी गेमिंग करते हैं तो वो इंटेल के IGPU पर ही केवल कर पाते होंगे। तो यार एडजी ने अगर बात करें मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं केवल इनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अपने लिए एक जो है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो तो मैं मानता हूँ आपको जरूर लेना चाहिए। सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड आपको 4-5 हज़ार रुपए का मिल जाएगा, तब आप इस पीसी पे बहुत ही अच्छे लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू रवि पार्टिसिपेट करने के लिए। वेल तो दोस्तों ये थे हमारे कंटेस्टेंट। आई बटन पर कोई भी पोल नहीं दिया हुआ है क्योंकि यूट्यूब ने पोल का सिस्टम जो है वो हटा दिया है। आपको जो फेवरेट कंटेस्टेंट है आप उसे कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं, और जिस भी बंदे को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा विनर होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।